डेफिनेशन कौन पिले कह पिला माने ब्राह्मण कहले ब्राह्मण कहले यज्ञ एवं यज्ञ गुड़िक व्यवहृत होता मंत्र मान व्याख्यान कर ग्रंथ शोभनम ठीक ठीक अच्छे तार संस्कृत लाइन कौन कहुई ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेदभागे नपुंसकम ये लाइनटा कह हाँ ब्राह्मण ब्रह्म संघाते वेदभागे नपुंसकम ब्रह्म प्रतिपादक कहले यज्ञ प्रतिपादक नपुंसक लिंग में व्यवहृत होता स ब्राह्मण शब्द आम ग्रंथवाची बोली बुझा जो ग्रंथ कि मंत्र मानंकु यज्ञ जागरे किभली भावरे तार प्रयोग हबो तत्संक्रांत व्याख्या प्रदान करिसेंदी तबे ब्राह्मण रो दस गोटे विषय वस्तु आम से दिन मु तुमको संक्षेप रे आम कही जो श्लोक अच्छे तो कौन ब्राह्मण रो दस गोटे विषय वस्तु ब्राह्मण मानंकर ब्राह्मण ग्रंथ मानंकर दसटा विषय वस्तु रही कौन कौन से दिन आम कही कौन रे पिला माने मु कही से दिन पुराकल्प व्यवधारण कल्पना शुण व्यवधारण कल्पना गोटे अलग कहीं कर व्यवधारण कल्पना उपमान है उपमान ये दस गोटी कथा को आम से दिन आर विषय वस्तु बोली आम जान लें गोटी गोटी कर देखा तुम मानने जदि सर्ट नोट आसो तेल गोटे गोटे भी सर्ट नोट होसीपर पाने छड़ा आम प्रति विषय को कौन विधि कहले कौन विधि सामान्य डेफिनेशन होची अनियमे नियम कारक विधि हाँ अनियम नियमकारी कार दीर्घ नियमकारी विधि नियम जोटी जी बताए आम विधि बोली कहती एठी नियम कहले कहार नियम कहले यज्ञानुष्ठान नियम विभिन्न प्रकार यज्ञानुष्ठान मान कथा कह जाइए तेणु तत्त यज्ञानुष्ठान मान को किभली अनुष्ठान करने को पड़ो तार नियम को जी कहे सी हूँ विधि विधि वाक्य विधिटा कौन ना विधि वाक्य विधि को इंग्राजी इंजंक्शन बोली कह जाए अच्छा तो विधि शब्दर अर्थ यज्ञ तथा यज्ञर अंग एवं उपांग तुम जाच गोटे यज्ञर प्रकृति जाग विकृति जाग गोटे धर दर्शपूर्णमास गोटे मुख्य जाग ताको आम प्रकृति जाग कह कि दर्शपूर्णमास दर्श कहले अमावास्या एवं पूर्णिमा पूर्णमास कहले पूर्णिमा तो यहीटा गोटे पक्षर यज्ञ पूर्णिमार आरंभ कर अमावास्या पर्यंत ना प्रकृतिर अमावास्यार आरंभ हुए अमावास्यार आरंभ कर पूर्णिमा पर्यंत तेब अमावास्यार तीनटा यज्ञ अनुष्ठित होता है पुणी पूर्णिम पुणी तीन टा यज्ञ अनुष्ठित होता है विभिन्न देवता मान उद्देश्य आम पढ़ा आग को अच्छी अच्छा जो तीन टा है मुख्य जाग है दर्शपूर्णमास जाग ताको आम प्रकृति जाग बोली कह प्रकृति कहले मूल बा मुख्य बा प्रधान प्रधान जाग तार अंतर्गत आउ जो जाग अनुष्ठित है यथा अमावास्यार से अनुष्ठान होता है कौन अमावास्यार से अनुष्ठान होता है तीन जन देवता उद्देश्य हुए यज्ञ जाग अनुष्ठान होता है जमीतिका तुमको कहीदि कहले तुम जापर आमर तो पढ़ाक अच्छे आग को आम पढ़ा तथापि अमावास्यार तीन टा जाग होता है आग्नेय पुरोडास जाग माने अग्नि देवता पुरोडासर जाग कराए तापर ऐंद्र दधि जाग इंद्र निमित्त दही यज्ञ कराए दही आहुति दि जाए एवं ऐंद्र पयो जाग एवं इंद्र उद्देश्य दुग्धर आहुति प्रदान कराए तेणु यो आग्नेय पुरोडास जाग ऐंद्र दधि जाग ऐंद्र पयो जाग ये तीन टा जाग तार अंग है अंग
ପୁଣି ସେଇ ତିନିଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲାବେଳେ ତାର ଅଧୀନରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ଉପାଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା। ତୁମେ ନିରୁକ୍ତ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପଢ଼ିଛ ନା, ମହାଭାଗ୍ୟା ଦେବତାୟାଃ ଏକ ଆତ୍ମା ବହୁଧା ସ୍ତୋୟତରେ, ସେଠି କୁହାଗଲା ଯଦି ଯଜ୍ଞମ୍ ବା ଯଜ୍ଞାଙ୍ଗମ୍ ବା ଯେଉଁଠି ଅନାଦିଷ୍ଟ ଦେବତା ମନ୍ତ୍ର ଲିଙ୍ଗେଶୁ ଦେବତୋପ ପରୀକ୍ଷା, ଦେବତା ଯେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେବତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞୋ ବା ଯଜ୍ଞାଙ୍ଗମ୍ ବା ଯଜ୍ଞର ଯେ ଦେବତା ସେ ଦେବତା, ନହେଲେ ଯଜ୍ଞର ଅଙ୍ଗର ଯେ ଦେବତା। ତେଣୁ ସେଠି ଅଙ୍ଗ କଥା ଆସିଛି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କଥା ବି ସେଠି ଆସିଛି ହେଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଜ୍ଞର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ତା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ, ପୁଣି ତା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ବତାଉଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଧି ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ହେ ବୁଝିହେଲା, ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁ ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ, ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁ ବେଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଜମା ପଢ଼ୁନ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିବା ଲିଷ୍ଟ, ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭେରି ଗୁଡ଼, ସାମବେଦର। ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବହୁ ବିଧିବିଧାନ, କାରଣ ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣରେ ତୋମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଇଛି ଯେ ସୋମଜାଗ କହିଲେ ସାମବେଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରାୟତଃ ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣରେ ସୋମଜାଗର ବିଭିନ୍ନ କଥା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗର ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯେଉଁ ବହୁତ, କାରଣ ସୋମଜାଗ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତୁମକୁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଛି, ସୋମଜାଗରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାରି ଭେଦର ଜଣେ ଜଣେ ଋତ୍ୱିକ ରହିବା ବେଳେ, ଯେବେକି ସୋମଜାଗରେ ଷୋହଳ ଜଣ ଋତ୍ୱିକ ରହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସେ ଷୋହଳ ଜଣ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ, ଋଗବେଦରୁ ଚାରିଜଣ, ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଚାରିଜଣ, ସାମବେଦରୁ ଚାରିଜଣ, ଅଥର୍ବବେଦରୁ ଚାରିଜଣ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଷୋହଳ ଜଣ ଋତ୍ୱିକ ଥାଆନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଷୋହଳ ଜଣ ଋତ୍ୱିକକୁ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିବ, ଆମେ ତ ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ, ତୁମେ ଜାଣିବ ଯଦି ଜାଣ, ଋଗବେଦ ଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିକ ବୋଲି ଏମିତି କୁହାଯାଏ, ବା ହୋତୃଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଋଗବେଦର ପ୍ରଧାନ ଋତ୍ୱିକ ହୋତୃ ହୋତା, ତେଣୁ ହୋତୃଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିକ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ହୋତୃଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିକ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତା କାରଣ ଆମେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ ଋତ୍ୱିକମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ, ତୁମେ କହିବ ଯେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ହୋତା ଅଧର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଗାତା ବ୍ରହ୍ମା, ଏମାନେ ସବୁ କିଏ, ଯଥା ପ୍ରସ୍ତୋତା ପ୍ରତିହର୍ତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନାଁ ସବୁ ସବୁ ଆସିବ ହୋତୃ, ତେଣୁ ଜାଣିଥିଲେ ଭଲ। ହୋତୃଗଣୀୟ ଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିଜ, କାରଣ ବହୁ ବଚନ କରିବା, ଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିଜ କିଏ କିଏ, ହୋତୃଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିକ ଚାରିଜଣ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ, ହୋତା ପ୍ରଥମେ ତ ହୋତା ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ, ହୋତା, ହୋତାଙ୍କ ପରେ ମୈତ୍ରା ବରୁଣ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ମୈତ୍ରାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଅଛି ଯଜ୍ଞରେ ହେଲା, ମୈତ୍ରା ବରୁଣ, ତାପରେ ଅଚ୍ଛାବାକ, ଅଚ୍ଛାବାକ ଲେଖିରଖ ଆଉ ମନେ ରଖ, ଅଚ୍ଛାବାକ, ତାପରେ ଗ୍ରାବସ୍ତୁତ, ମାନେ ଗ୍ରାବସ୍ତୁତି ଯିଏ କରିବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି, ତା ମାନେ ଜଣେ ହୋତୃଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିକ ସେ ହିଁ ଗ୍ରାବସ୍ତୁତି କରିବେ, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହୋତୃଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିଜ, ହୋତା ମୈତ୍ରାବରୁଣ ଅଚ୍ଛାବାକ ଗ୍ରାବସ୍ତୁତ, ତାପରେ ଅଧର୍ଯ୍ୟଗଣୀୟ କିଏ କିଏ ସବୁ, ଅଧର୍ଯ୍ୟଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିଜ ମନେ ରଖ, ଅଧର୍ଯ୍ୟଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିଜ, ଅଧର୍ଯ୍ୟଗଣୀୟ, ଅଧର୍ଯ୍ୟଗଣରେ ବୈଧ ମଧ୍ୟ ଚାରିଜଣ, ପ୍ରଥମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୱର୍ଯ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟର୍ଯ୍ୟୁ, ତାପରେ ପ୍ରତିପ୍ରସ୍ଥାତା, ପ୍ରତିପ୍ରସ୍ଥାତା ନିଷ୍ଠ, ପ୍ରତିପ୍ରସ୍ଥାତା ନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଉନ୍ନେତା ହେଲା, ଉନ୍ନେତା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧର୍ଯ୍ୟଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିକ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ସେମିତି ତାପରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଗାତୃଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିକ ଏମାନେ ଉଦ୍ଗାନ କରିବେ, କାରଣ ଏଇଟା ସୋମଜାଗ, ଉଦ୍ଗାତୃଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିକ, ଉଦ୍ଗାତୃଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିଜ, ଗଣୀୟ ଋତ୍ୱିଜ, ଉଦ୍ଗାତୃଗଣରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା, ଉଦ୍ଗାତା ପ୍ରଥମତଃ ଉଦ୍ଗାତା ରହିବେ ହିଁ ରହିବେ, ଉଦ୍ଗାତା, ତାପରେ ପ୍ରସ୍ତୋତା, ପ୍ରସ୍ତୋତା ଭୁଲ ହେଲା, ପ୍ରସ୍ତୋତା,
तापरे प्रतिहर्ता प्रतिहर्ता एवं सुब्रमण्य बोधहुए ये सुब्रमण्य ऋत्विकर नाँ रु परवर्ती समय सुब्रमण्य गोटे टाइटल अच्छी बिले साउथ इंडिया रे अच्छी सुब्रमण्य सुब्रह्मण्य है सुब्रह्मण्य सुब्रमण्य। अच्छा चारि नंबर रे आमर ब्रह्मगणीय ऋत्विक ब्रह्मगणीय ऋत्विक से भी चारिज ब्रह्मगणीय ऋत्विज लेखुच रे पिले हाँ ब्रह्मगणीय ऋत्विज से ब्रह्मा तो प्रथम निश्चित भाव ब्रह्मा तापरे ब्राह्मण सिंसी ब्राह्मण सिंसी ब्राह्मण सिंसी तो ब्राह्मण सिंसी एमती लिखाई ब्राह्मण संशी बोली आम कहे ब्राह्मण सिंसी अग्निध्रह अग्नि अग्निटा दीर्घ ये अग्निध्रह ध्रह खाली अग्निध्रह तापरे पोता हैला शॉर्ट क्वेश्चन भी आसी पारे भीतर जनों को ना आसी जीव कहा जीव जे को गणीय ऋत्विक बोली किना हैला एठी बहुत जिनस अछि एको तो ए भली हमरो पाठ आमे विधि पढ़ुचे विधि रे जानिबा को अछि तुमको जे प्रस्तुताई काम करबे प्रतिहर्ताई काम करबे सेई पाई मो ताको प्रथमे कहली जे प्रस्तुता आगे कोन प्रतिहर्ता कोन तुमे जानो बोलिका तापरे आसो जीवा आग को तेबे आमर तांड्य महाब्राह्मण रे जहाँकि आमर सामवेदर ब्राह्मण एवं सबुठ बहुत बड़ ब्राह्मण से तांड्य महाब्राह्मण से महाब्राह्मण ना दि जाइए अनेक विधि संपर्क चर्चा करा जाए तेबे यह ध्यातव्य तांड्य महाब्राह्मण सोमजागर प्रक्रिया को वर्णना करवा सोमजागर विधि को वर्णना करिथाय जो थी कह मानने विभिन्न कथा अच्छे तुमको लगे एगुटा कहीं मानने कहीं एगुटा कौन है तार कारण तो पचरे कह जो अच्छी आम दसटा विषय वस्तु भितर अन्यत्र जो अच्छी तुम अर्थवाद कह विधिटा कहीं तो से कहुई जे ऋत्विक मैने धीरे धीरे सब चलिए माने कौन कहल जो मंडपरे यज्ञ मंडप सदौ मंडप अच्छी मुख्य यज्ञशाला अच्छी सदौ मंडपरे यज्ञ सामग्री सब रही से जगार यज्ञशाला को शाला को सदौ मंडप रु यज्ञशाला को एमती आसवापी रास्ता थी से रास्त ऋत्विक मैंने सब धीरे धीरे चलिए। अच्छा धीरे धीरे कहीं चलिए से कथा अर्थवाद कह तुम है मौन रही चलिए कि कथबार्ता करें मौन रही चलिए जो पांचज ऋत्विक पांच जन ऋतु किए किए ना प्रस्तोता प्रस्तोता कौ गणीय एवं लिखिले कह प्रस्तोता कौ गणीय उद्गात्र गणीय शोभनम हाँ प्रस्तोता प्रस्तोता उद्गाता उद्गाता कौ गणीय उद्गात्र गणीय बस प्रतिहर्ता प्रतिहर्ता कौ गणीय उद्गात्र गणीय एवं ब्रह्मा हला से कहते अधर्ज अधर्ज तो रही यजुर्वेदीय अधर्ज आगे चलिए तांक पछरे प्रस्तोता चलिए तांक पछरे उद्गाता चलिए तांक पछरे प्रतिहर्ता चलिए तांक पछरे ब्रह्मा चलिए एमती पांच जन लाइन रे धीरे धीरे जिबे एवं जणे जण को माने पंक्ति माने लाइन करके जिबे चलला बेले कि कथबार्ता करें सदौ मंडपुर यज्ञ बेदी को आसवे धीरे धीरे चली चली पांच जन एमती क्रम रखिकी ये क्रमटा इंपोर्टाट क्रम रखिक आसवे ये सब विधि यहाँ गोटे विधि बोली यज्ञ गोटे विधि है तो यह भाव में आसवे जदि पंक्ति से भांगी जाए बा लाइन भांगी जाए तेज यज्ञकर्ता अनिष्ट हम ए प्रकार संभावना से कहुई अधर्ज आगे चलुवे अधर्ज कारण अधर्ज हूँ यज्ञ मानने कौन प्रथम स्वरूप निर्माता यज्ञ प्रथम यज्ञ प्राधान्य अधर्ज रही हाथ में कुश धरिकी चलिए हाँ शतपथ ब्राह्मण प्रचुर हाँ शतपथ ब्राह्मण से तो सब यज्ञ विषय में कहुई तांड्य महाब्राह्मण से सीना सोमजाग विषय में कहुई तेरे शतपथ ब्राह्मण से भी प्रचुर विधि मान वर्णना कर आरंभ रु दर्श पूर्णमास जाग कारण शतपथ ब्राह्मण आरंभ हो दर्श पूर्णमास जागर कारण आम तुम जो बाजसेनी माध्यम दिन संहिता माध्यम दिन बाजसेनी संहिता पढ़ुच से भी आरंभ तुम दर्श पूर्णमास जागर पे जो ईशित्व ऊर्जित्व तार प्रथम मंत्र पढ़ुच दर्श पूर्णमास जागर मंत्र। अच्छा
तापरे से कहते जे दर्शपूर्णमास जगार अनुष्ठान विधि विधि से आरंभ हो शतपथ ब्राह्मण प्रथम कांडरे द्वितीय कांडरे आधान केमी करवा आम पढ़वा अग्नि आधान केमी करते आधान नाम आधान शब्दर अर्थ कौन जान किए कहीपर आधान शब्दर अर्थ संस्थापन स्थापन अग्नि को केमी बेदी यज्ञ बेदी स्थापन करटा को आधान बोली कहुए तो आधान आधान पुनः आधान यदि अन्य जगह को लेकिन केमती आधान कर अग्निहोत्र अग्निहोत्र एक नित्यकर्म तुम मानक मुझे सका सन्धार जग अनुष्ठान करने को अग्निहोत्र यज्ञ मानने अग्नि आहुति प्रदान करने को अग्निहोत्र कहुए प्रति गृहस्थ नित्यकर्म प्रति गृहस्थ अग्नि सका सन्धार आहुति देवा आवश्यक बोली यू नित्यकर्म भाव में कहुई है तो आग्रायण आग्रायण आम नुआ धान खाऊ जो कौन करते आगे कौन देवता अर्पण करके आम खाई आम आग्रायण बोली कहते कि से नुआ धान चरु और पुरुड़ास या अग्नि आहुति देतापर ताकने आम नित्य दिन व्यवहार्य भाव में व्यवहार करुले दाक्षायण यज्ञ गोटे अच्छी तो यह सबुर वर्णना आमर दर्शपूर्णमास जगार ये सबुर वर्णना कहार अर्थ तुम्हें वर्णना कहले भूल हम कारण आम विधि विषय पढ़ुचे यही समस्त जग एवं इष्टि मानकर उपांग मानकर वर्णना विधि विधि वर्णना आमर ब्राह्मण ग्रंथ मानक मिले है विधिर हेतु आमर हेतु भी अच्छी ना गोटे कारण पढ़ापी विधिर हेतु ये विधिटा कहीं एमती लाइन रे कौन पर ऋतिक मैंने चलिए ये मन में प्रश्न आसूची पुणी ये क्रम चलिए आहरी गोटे जगार कह से परस्पर मानने वस्त्र को स्पर्श करके चलिए मानने कौन कर वस्त्र को स्पर्श करके चलिए एक कहुई पे तेणु कहीं सेमती करेंगे तार कारण भी कहुई हेतु कहुई सब ब्राह्मण ग्रंथ से कहुई से ब्राह्मण से दसटा जाक विषय वस्तु कथा आमे आगे पढ़िले अच्छा तापरे से कहते दर्शपूर्णमास जगार जो करने जो व्यक्ति जजमान दीक्षा नब प्रथम दीक्षा नब मैंने संकल्प कर संकल्प कर से कौन कर तो व्रत आचरण करने को पड़ा सपत्नीक व्रत आचरण करने को पड़ो हाँ आहवनीय गार्हपत्य बेदी में मझीरे कि पूर्वपट को ठिया हे सी आहवनीय और गार्हपत्य तुम्हें कह आहवनीय बेदी कौ दिगर बेदी आहवनीय शोभनम एवं गार्हपत्य बेदी कौ दिगर बेदी गार्हपत्य पश्चिम शोभनम तो पूर्व पश्चिम दिगरे जो दीटा यज्ञ बेदी अच्छी ता मझीरे ठिया हे यजमान पूर्व को मुह करके ठिया हे मैंने आहवनीय पट को मुह करके ठिया हे और हाथ में जल स्पर्श करके संकल्प करेंगे दर्शपूर्ण मास जग मु अनुष्ठान करी जगार परिसमाप्ति हाँपाइका तो यार कारण कौन जल कहीं स्पर्श करेंगे बुझाला कौन से गोटे कर्म करने पूर्व आम पा छिंचुचे पा कि हाथ में धरुचे निज मस्तक एमती आम निजी छिंचुचे कहीं भी प्रश्न हुए ये सब कथ आम अच्छी पचर कहीं जाणी भी बहुत जरूरी पिले तेना कारण हूँ जल हूँ मेध्य मेध्य मान शुभ है शुभंकर है तेणु कह जाए यज्ञ जल हूँ मेध्य यही तार कारण भी कहुई यज्ञ पैका सर्वोत्कृष्ट पदार्थ जो हूँ जल हला तेणु जदि किए मिछ कहे पिले कहुई ना मिछ कहुवा व्यक्ति को यज्ञ अधिकार न थाए तेणु तुमको शुद्ध रहा पड़ो कह गले अंतकरण से शुद्ध रहा पड़ो बाह्यकरण से जदि आम कौटि किसी अज्ञात सारे अशुद्ध पदार्थ स्पर्श कर किसी कर जल को सहीपे निजी छिंचा जलटा हूँ शुभंकर तो आम शुभ शुभंकर मंगलमय आम मनोवृत्ति होमें मंगलमय मन कर्म प्रवृत्त हुए यहीपाइका से कहुई है जल स्पर्श करके जेकोसी कर्म संपादन करने को आम जापर से सब जलस्पर्श सब अमेध्यो वाक्य अच्छी पिले शतपथ ब्राह्मण अमेध्यो भी पुरुष जद अनुत बदती जे मिछ कथा कहूँ से पाप करुच अमेध्य मान से शुभंकर नुहे है अमेध्य बदती तेन तेन पूरितवंत से पूर्ण होता है मिछरे जी सार शरीर पूर्ण होती मेध्या आप जल हो मेध्य पवित्र हला मेध्यो भूत्वा व्रतं उपानीत हला तेणु पवित्र हेला परे तुम्हें व्रत ग्रहण करिपरिबो पवित्रं वा आपह जल पवित्र अटे पवित्र पूतः व्रतं उपायानीति तस्मात् वा अप उपस्पृशति तेणु जल द्वारा ही से निजक पवित्रित करे सेथिपाई से जल स्पर्श करिथाए हला एटा कारण कहा जे शतपथ ब्राह्मणर प्रथम कांडरे फर्स्ट लाइन एटा
हाँ अमिध्य भी कौन दर्शपूर्ण मास यज्ञ करने पूर्व जलस्पर्श कर तेणु से दुटा जाक बेदी मझीरे पूर्व दिग्क मुह कर हाथ में जल धरी जलस्पर्श कर व्रत कर आगे ये कथा कहपर संकल्प नहीं कि दर्शपूर्ण मास जग कर यही हूँ सब विधि पाने कौन से यज्ञ अनुष्ठान करने पूर्व जो वर्णना करमी कर एक कथा तुम्हें संहितर कौन पाइब जे ये मंत्रटा एमती भाव में पढ़ाहब ये कथाटा एमती जगह पढ़ाहब ये पढ़ाजी आपको आम संहिता के कहूनी संहिता केवल देवता स्तुति स्तुति कही तेणु ब्राह्मण ग्रंथर यहीपाईका ब्राह्मण ग्रंथर मानने कौन प्राधान्य रही तुम्हें मंत्रर प्रयोग कौटी करमी कर ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्या कर बुझीगला विधि एवं लिखिपार विधि क्या को कहती विधि विषय लिखिहब पाने विधि अरे विधि विषय लिखिपार तो तुमर संस्कृत बही धरीच समस्ते संस्कृत वैदिक बांग्मय इतिहास बही तुम मान पाखे अच्छी ना ना से विधि सेथिरे विधि कहीं कि नहीं आरती तम पाखे कहीं कि नहीं तुम्हें कहीं नहीं ना हाँ आ को अच्छा तब को वही रूप पढ़ो चो ताहले को वही रूप पढ़ो मैं मु बॉलिंग खाली को जस जे माने फोटो उठी छाड़ छी से थ्रू देखु छी को वही रा फोटो को वही रा फोटो ता पकरी को वही छी मु जानने से फोटो उठी खाली छाड़ छी सेटा रखि छी संस्कृत बही तो ना ओडिया ताहले ठीक अच्छे से पीडीएफ करके कह दे दियंतु हला तुम्हें तार प्रिंट काढ़ बुझेला तो कह पीडीएफ करके तुम पाखक पठाई देवे तुम्हें तार प्रिंट नियो हला जहाँ संभव जहाँ पाखे अच्छी से जो मैंने अच्छी अन्य मान सा कर पाने हला कारण आमर तो लाइब्रेरी अच्छी बही कि तुम आसबार ना जो मैंने आसी कि नहीं बोधे तेणु जो मानते अच्छी से पीडीएफ करके से बही को छाड़ू हला यूनिट गोटे यूनिट सरला एका थरे एड़ बड़ बही करवा कष्ट तेणु गोटे यूनिट सरला गोटे यूनिट रे आमर संहिता पोर्शन थिला सरीगला तुम्हें सेटा भी केतले काठो नहीं जाओ एबे ब्राह्मण पोर्शन अच्छी ब्राह्मण खाली ना ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद आमर सेकेंड यूनिट रे अच्छे तेनालीक पोर्शन जन को कह से तार जे जी भी तुमको जो जहाँ को भावच जी करके देवे परस्पर को साय कर पाने ये आमती कले कि हेनी कारण जहाँ पाखे बही अच्छे से अगर साय कर यूनिट यूनिट करके पठाओ हेले सुविधा हम कष्ट भी एका सांगे कर कष्ट तेणु किसी पोर्शन यूनिट व्वज करके दि हेला करके दब जहाँ पाखे बही अच्छी अन्य मानक दि ग्रुप्रे सेयर कर दि जो मन पाखे नस्ते पाइपर एमती इंडिविजुआली दबा अपेक्षा अच्छा हेला तुम पाखे ओडिया बही थी बीए अनर्स बीए अनर्स भी तो थिला ओडिया बही पढ़ाऊला सब बीए अनर्स ना तुम पाखे अभिन्न चंद्र दास ओडिया बही वैदिक साहित्य इतिहास तो थर्ड इयर रे पढ़ाऊला बीए थर्ड इयर रे पढ़ाऊ नथिला तुमरो हाँ अरे बीए थर्ड इयर रे आरती तुमरो वैदिक साहित्य इतिहास पढ़ाऊ नथिला प्रकरण थिला तापर हिस्ट्री भी थिला ना वेद वैदिक प्रकरण उत्कल अरे संस्कृत लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर टा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थाए बीए रे थर्ड ईयर रे वैदिक लिटरेचर थाए उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे टी हाँ उत्कल यूनिवर्सिटी अंडर रे तो एबे भी अच्छी वैद वैदिक प्रकरण रो जहाँ मंत्र सूक्त ग्रामर थिला पुणी तापर से वैदिक साहित्य इतिहास भी थिला दीटा जाक तो थिला से ओडिया बही सब पढ़ा हुए अभिन्न चंद्र दास ओडिया बही सब पढ़ती पिला से बही तो थी से देख पार ना तार कथा वस्तु कौन से बुझापी तुम्हें संस्कृत करेणु बही नि बही वैदिक जगदीश चंद्र मिश्र बही हौ कि बलदेव उपाध्याय बही हौ कि अभिन्न चंद्र दास बही हौ धर सब बही न धरले हेनी
ବହି ପଢ଼ିବ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଦେଲି, ତାପରେ ତୁମେ କେମିତି ପଢ଼ିବ ସେ କଥାଟାକୁ, ସେ କଥାକୁ କେମିତି ମନେ ପକେଇବ, ତୁମେ ଲେଖିବ କେମିତିକା? ହେଲା, ତେଣୁ ବିଧିଟା ଲେଖିବ ପିଲେ, ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ସେ ସଂସ୍କୃତ ବହି ଜଗଦୀଶ ମିଶ୍ର ବହିକୁ କୁ PDF କରିକି ଛାଡ଼ିବ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖ ବିନିଯୋଗ, ହଁ ବିନିଯୋଗ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ତୁମର ଯେଉଁ ବିନିଯୋଗ କଥା, ଆମର ବ୍ୟବଧାରଣ କଳ୍ପନା ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ହଁ ବିନିଯୋଗ, କାରଣ ସେଠି ବିନିଯୋଗ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ବିନିଯୋଗ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ତୁମେ ସେଇଟା ଭାବୁଥିବ, ତେଣୁ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ବିନିଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି ବ୍ୟବଧାରଣ କଳ୍ପନା ଯେଉଁଟା। କେମିତି ବିନିଯୋଗ ମାନେ ତୁମେ ଦେଖାଅ, ଯେଉଁ ସୂକ୍ତ ସବୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛ, ବେଦ ବୈଦିକ ପ୍ରକରଣ କହୁଛ, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂକ୍ତ ଅଛି, ଅଗ୍ନି ସୂକ୍ତ ଥିଲା, ହଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସୂକ୍ତ ଥିଲା, ବିଷ୍ଣୁ ସୂକ୍ତ ଥିଲା, ବାକ୍ ସୂକ୍ତ ଥିଲା, ଏସବୁ ସୂକ୍ତ ପଢ଼ିଥିବ, ତେଣୁ ଏ ସୂକ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠି ହେଉଛି ସେଥିରେ କୁହାହେଇଛି। ହଁ, ଯଥା ଅଶ୍ୱିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୱଦେବ, ଅଶ୍ୱିନ କ'ଣ ବୈଶ୍ୱଦେବ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ ବୈଶ୍ୱଦେବ କଳ୍ପେ ଅଶ୍ୱିନ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାତଃସବନେ ବିନିଯୋଗ, ଏ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞରେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞର ଅଙ୍ଗରେ, ପ୍ରାତଃସବନରେ କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସବନରେ କି ସାୟଂ ସବନରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ, ଏ ସୂକ୍ତଟା ପାଠ କରାଯିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସେଠି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବିନିଯୋଗ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁଠି ପଢ଼ାଯିବ ସେ ସୂକ୍ତକୁ ବା ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ, ସେଇଟା ଯିଏ କହିଥାଏ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବା ସୂକ୍ତର ଋଷି ଛନ୍ଦ ଦେବତା ବିନିଯୋଗ ନ ଜାଣିକି ତାହା ପଢ଼ିବା ନିରର୍ଥକ ବୋଲି କୁହାହେଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ତୁମକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାହେଇଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବିନି, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ସେଇଟା ପୁରା ଜାଣିଲନି ତୁମେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ର ଋଷି କିଏ, ତା'ର ଛନ୍ଦ କ'ଣ, ତା'ର ଦେବତା କିଏ, ତା'ର ବିନିଯୋଗ କେଉଁଠି ହେଇଛି, ସେ କଥା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଦେଖ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରକୁ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା କେଉଁ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ସେ କଥା ସେଇ କଥାକୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠି ହେବ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତା'ର ବିନିଯୋଗ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ହେଲା, ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ ଏଇ ବିନିଯୋଗକୁ କହିଥାନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତି। ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ଯଥା ସେଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଋଗ୍ବେଦରେ, ଯଥା ଗୋଟେ ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ସ ନଃ ପବସ୍ୱ ସଙ୍ଗବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ଋଗ୍ବେଦୀୟ ମନ୍ତ୍ର ଏଇଟା, ହଁ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହୁଏ, ମାନେ ହୁଏନି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପଶୁମାନଙ୍କର, ଯଥା ଗାଈମାନଙ୍କର ଫାଟୁଆ ରୋଗ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗାଈମାନଙ୍କର ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟର ତ ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ, ଆମର ଶରୀର ତ ବ୍ୟାଧି ମନ୍ଦିର ବୋଲି କୁହାହେଇଛି, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ରୋଗ ହେଇଥାଏ, ଫ୍ଲୁ ହୁଏ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଫ୍ଲୁ ହୁଏ, ତୁମେ ଜାଣିଛ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠି କୁହାହେଇଛି ସ ନଃ ପବସ୍ୱ ସଙ୍ଗବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାରେ କି ପଶୁମାନଙ୍କର ରୋଗ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁକା ପାଠ କରାଯାଏ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ ବିନିଯୋଗର ବିବେଚନା ସବୁ ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣରେ ତ କୁହାହେଇଛି, ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ, ଖାଲି ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ୟାର ବିନିଯୋଗ କେଉଁଠି କୁହାହେଇଛି, ୟାର ବିନିଯୋଗଟା ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହା ହେବନି, ସଂହିତାରେ କ'ଣ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ ତୁମେ ଦେଖିବ ନା, ତୁମେ ଯଦି ଆମେ ସିନା ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାହେଇଛି ସେଇଟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓରିଜିନାଲ ବୈଦିକ ଟେକ୍ସଟ ତୁମେ ଦେଖିବ, ସଂହିତା ଟେକ୍ସଟ, ସେଠି ବିନିଯୋଗ କୁହାହେଇନି, ଭାଷ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କୁହାହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ର ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିନିଯୋଗ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନେଇକିନା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ ବିନିଯୋଗଟା ସାୟଣ ତାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଏଇ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ନେଇକିନା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ ସେଠି କୁହାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆ ନୋ ମିତ୍ରାବରୁଣା, ଆ ନୋ ମିତ୍ରା ମାନେ ଋଗ୍ବେଦର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ବିନିଯୋଗ ତାଣ୍ଡିୟ ମହାବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଅଛି, ଏଇ କଥାକୁ ଏଠି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ। ହଁ, ତେଣୁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଋଗ୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର ଋଗ୍ବେଦରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ବିନିଯୋଗ କୁହାହେଇଥିବ, କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ହୁଏତ ମାନେ ଋଗ୍ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଥିବ ନା, ଋଗ୍ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯଦି ସେ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ବା କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ସେମିତି ନାହିଁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହେବନି ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଯଦି ସୋମ ଜାଗାରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଠି ପ୍ରୟୋଗ ହେବ, ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ଏକ ଋଗ୍ବେଦର ଋଗ୍ବେଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରର ବିନିଯୋଗ ଋଗ୍ବେଦୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ କୁହାଯାଇଥିବ, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ହେଲା, ତେଣୁ ଏଇ କଥାକୁ ସବୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବା ଦରକାର ପିଲେ।